हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए देखिए इस तरह का सेप लेके आए हैं अपने वीडियो में। इस सेप पे हम आपको समझाएंगे कि थ्रेडिंग कैसे, छोटी थ्रेडिंग को जो है एक ऐसा सेप दिया जाए जो लंबा और अच्छा दिखे। इस तरह के जो है सेप को हम बताएंगे जिनके आईब्रो छोटी मतलब रहती, ज़्यादा उसकी जो है ग्रोथ लंबाई नहीं रहती है। आज इस तरह का वीडियो हम लेके आए हैं अपने चैनल पे। देखिए इस तरह की थ्रेडिंग का क्या है कि आप शुरू से जो बाल का ग्रोथ है वहाँ से नीचे से एक सीधी लाइन लेके जाइए और इस तरह से सीधे जो है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है बाल को उठा के करिए ताकि थ्रेडिंग थोड़ा उठा हुआ दिखे और अच्छा लगे। और जो लास्ट का जो है बाल, इसको नहीं निकालना है। देखिए यहाँ तक जो है इसका ग्रोथ हमने बनाया हुआ है इस तरह का थ्रेडिंग का। देखिए इस थ्रेडिंग से अंतर लग रहा है कि ये थ्रेडिंग ज़्यादा लंबी है। और इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगी कि आगे से और लास्ट के बाल को जो है सीधा ही मिलाते आप सेप बनाइए। इस तरह से हम अब ऊपर की थ्रेडिंग को जो है बता रहे हैं। हमने थ्रेडिंग की बहुत सारी वीडियो डाली हुई है अपने जो है चैनल पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और सारी वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पकड़वाने के बाद जो है धागा से इस वाली थ्रेडिंग से सिर्फ मिला के दूसरे वाली थ्रेडिंग पे हमें लेके जाना है धागा और उसी बराबर सेप का थ्रेडिंग सेप निकालना है, नहीं तो थ्रेडिंग जो है आगे पीछे हो जाती है। इस तरह से देखिए कितने आसानी से, कितने मतलब लाइन से धागा से बाल निकलता चला जा रहा है। आप वीडियो को फुल देखिए और देखने पे ही समझ में आएगा कैसे किया जाता है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और कोशिश हम करेंगे ज़रूर से ज़रूर लेके आए उसको। और इस तरह से आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिए और अपना प्यार इस तरह से हमारे जो है वीडियो को देते रहिए। जैसे हमारा इतना सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है और आगे का भी कंप्लीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे वीडियो को। हमारा वीडियो पसंद आए तो इस तरह से देखिए ऊपर का हम फोरहेड भी इसी साइड कर रहे हैं और थ्रेडिंग और फोरहेड दोनों साथ में ही करते चलेंगे ताकि टाइम का भी ज़्यादा समय ना लगे और दोनों काम साथ में ही हो जाए। और थोड़ी सी मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी मोबाइल ख़राब हो चुकी है, थोड़ा सा कैमरा ख़राब है उसका, क्लियर नहीं दिखता है, तो आई होप आप लोग जो है उसको जो है अवॉइड करिए और समझने की कोशिश करिए जो हम सिखा रहे हैं। और इस तरह से सेप बन के आया है। देखिए मेरी क्लाइंट काफ़ी खुश थी, इनको बहुत अच्छा लगा और काफ़ी पुरानी क्लाइंट है ये हमारी। इनका जो है सेप कहीं मतलब भी कराती हैं, ऐसा सिर्फ कहीं भी नहीं, सब छोटे कर देते हैं इनकी ग्रोथ को। इसलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।